हाल ही में मंत्रिमंडल ने एक ऐतिहासिक निर्णय में 400 रेलवे स्टेशनों का सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत पुनर्विकास किए जाने का अनुमोदन किया है। इससे दुनिया में सबसे विशाल परिवहन अभिमुख विकास होने की आशा है और इसमें जटिल निर्णय लेने पड़ते हैं। अगले वित्त वर्ष के दौरान निजी भागीदारी के लिए बैंकों को स्वीकार्य संरचना के आधार पर कुछ बड़े और मझोले स्टेशनों के लिए बोली प्रक्रिया शुरू किया जाने का प्रस्ताव है। सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से शुरुआत करने के अलावा हम कतिपय अन्य रेलवे स्टेशनों के विकास के लिए बहुपक्षीय वित्तीय निवेश लेने की संभावनाओं की तलाश कर रहे हैं। मुझे ये सूचित करने में प्रसन्नता हो रही है कि बहुत से रेलवे स्टेशनों की दीवारों को भित्ति चित्रों में बदला गया है, जिससे न केवल सौंदर्य में सुधार आया बल्कि सामाजिक रूप से प्रासंगिक विषयों के बारे में जागरूकता का प्रसार भी हुआ है। ऐसा ही एक विषय जो विशेष उल्लेख का हकदार है वन्य जीवन का संरक्षण है, जिसका सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशनों पर चित्रों के माध्यम से सचित्र वर्णन किया गया है। हजारीबाग, बोरीवली, खार, उदयपुर, बीकानेर कुछ अन्य रेलवे स्टेशन है जो स्थानीय कला और प्रतिभा को दिखाते हैं। मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं जो अगले साल भी हमारे रेलवे स्टेशनों को ऐसा सौंदर्य पर कार्य करने का अनुरोध और मैं सभी से अनुरोध करता हूं अपने यात्रियों खासतौर पर महिला यात्रियों को बेहतर सुरक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य निम्नलिखित प्रमुख पहलकदमियां की गई हैं। अखिल भारतीय 24 घंटे सातों दिन हेल्पलाइन नंबर 182, 311 रेलवे स्टेशनों पर सीसीटीवी चौकसी की व्यवस्था की गई है। सभी बड़े रेलवे स्टेशनों को चरणबद्ध तरीके से सीसीटीवी चौकसी के अंतर्गत लाया जाएगा। एक दुर्घटना या एक जीवन की हानि से मुझे अत्यंत दुख और पीड़ा होती है। इससे यह प्रदर्शित होता है कि हम शून्य दुर्घटना व्यवस्था का अपना उद्देश्य हासिल करने के लिए अभी लंबा सफर हमें तय करना है। हालांकि पिछले साल की तुलना में 20% दुर्घटनाओं के साथ हमारा सुरक्षा रिकॉर्ड बेहतर रहा है। मेरा पक्का विश्वास है कि भारतीय रेल से दुर्घटना को उन्मूलन करने के लिए आगे का मार्ग नवीनतम तकनीकों को अपनाना और आत्मसात किए जाने पर निर्भर है। और हमने डॉक्टर काकोडकर की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों की जांच की है और उनके क्रियान्वयन पर कार्य कर रहे हैं। हम अत्यधिक भीड़ वाले रेलगाड़ियों के लिए मुख्य तौर पर उपनगरीय खंडों पर गाड़ी से गिरने से रोकने के लिए भी कार्य कर रहे हैं। वर्ष 2015-16 में हमने 350 चौकीदार वाले लेवल क्रॉसिंग बंद किए हैं और 1000 बिना चौकीदार वाले लेवल क्रॉसिंग समाप्त किए हैं। वर्तमान वर्ष में 820 रेड ओवर ब्रिज रोड अंडर ब्रिज को पूरा किया गया है और 1350 पर कार्य प्रगति पर है। पिछले साल मैंने अपने बजट भाषण में उत्तरोत्तर 3000 करोड़ रुपए की वार्षिक बचत करने का उल्लेख किया था, जिसे तीसरे वर्ष तक प्राप्त किया जाना था। यह कुल कर्षण सप्लाई लागत का लगभग 30% है। मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि हम अगले वित्त वर्ष में भी अर्थात निर्धारित समय से एक वर्ष पहले यह लक्ष्य हासिल कर लेंगे। भारतीय रेलवे ने पहली बार डीम्ड वितरण लाइसेंसी के अहदे का इस्तेमाल करते हुए बिजली अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रतिस्पर्धी दरों को सीधे बिजली की खरीद की है। पहले से हस्ताक्षरित और कार्यान्वित बिजली खरीद करारों से 1300 करोड़ रुपए की वार्षिक बचत होगी। बिजली प्राप्ति के लिए पहले से शुरू की गई कार्रवाई से आगामी वर्षों के दौरान 1700 करोड़ रुपए की वार्षिक बचत होगी, जिससे कुल बचत 3000 करोड़ रुपए हो जाएगी। इसके अलावा मांग पक्ष प्रबंधन और ऊर्जा संबंधी किफायती उपायों में 300 करोड़ की बचत का लक्ष्य है। अब भारतीय रेल द्वारा उच्च भार वहन क्षमता वाले रेल इंजनों का निर्माण किया जा रहा है। इन रेल इंजनों का उपयोग बिजली यानों के उन्मूलन को संभव बनाएगा, जिसके द्वारा इनके स्थान पर सवारी यात्री डिब्बे लगाए जा सकेंगे, जिससे रेलगाड़ियों की वहन क्षमता का संवर्धन होगा और यात्रा समय गाड़ी की आवाज और ईंधन की खपत में भारी कमी आएगी। इसके परिणाम स्वरूप हमारे कार्बन फुटप्रिंट में भी काफी कमी आएगी। वर्तमान वर्ष में ऐसे 4 रेल इंजनों का निर्माण किया जा रहा है। 2016-17 में अन्य 39 रेल इंजनों का निर्माण किए जाने की आशा है। किसी भी विश्व स्तरीय रेल प्रणाली में कुशल जनशक्ति बनाए रखने के लिए रेल विश्वविद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमने विश्वविद्यालय के रूप में पूर्णतः विकसित करने के लिए वडोदरा स्थित भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी को चुना है। अगले वित्त वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए तैयारियां पूरे जोरों पर चल रही हैं। भारतीय रेल एक संगठन के रूप में समृद्धि के पथ पर तब तक प्रगति नहीं कर सकती है जब तक यह पथ डिजिटली सुसज्जित न हो। इस वर्ष ट्रैक मैनेजमेंट सिस्टम TMS का एप्लीकेशन शुरू किया गया था। उसके साथ रेल पथ निरीक्षण, निगरानी और अनुरक्षण के कार्यकलाप एक IT प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं और SMS और ईमेल के रूप में ऑटोमेटेड अलर्ट जारी हो रहे हैं। TMC के इन्वेंट्री प्रबंधन मॉड्यूल के परिणाम स्वरूप इन्वेंट्री में 27,000
एमटी की कमी आई है और जिससे 64 करोड़ रुपए की बचत हुई है और 53 करोड़ रुपए मूल्य के समकक्ष 22,000 एमटी स्क्रैप की पहचान हुई है। 2016-17 के दौरान संपूर्ण भारतीय रेल पर यह प्रणाली कार्यान्वित हो जाएगी। भारतीय रेल ने अपने अधीन भूमि का रिकॉर्ड रखने हेतु केंद्रीकृत भूमि डाटा का डिजिटलीकरण करने के लिए एक एप्लीकेशन विकसित की है। चूंकि मैं नई पहलों का निरूपण करने के लिए आगे बढ़ रहा हूं, इसलिए मुझे जरा सा एक कदम वापस जाने की अनुमति दीजिए। पिछले साल के बजट का एक प्रमुख महत्वपूर्ण क्षेत्र यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना और रेल यात्राओं को आनंदप्रद बनाना था। हम इस गति को बनाए रखेंगे और भारतीय रेल के नेटवर्क पर प्रतिवर्ष सवारी करने वाले 7 खरब यात्रियों में प्रत्येक को संतुष्टि सुनिश्चित करने के लिए कड़ा प्रयास करेंगे।